सत्य संगम अखंड योग के इस शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो पैदावार को लगातार तेज़ी के साथ बढ़ाती चली जा रही है। अब से 25 साल पहले जितना अनाज का प्रोडक्शन होता था, अब उससे कहीं ज़्यादा जो है वो अनाज का प्रोडक्शन होता है। फूड इंडस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है मार्केट में, लेकिन इसके दूसरी तरफ रिवर्स में अगर हम देखें तो फिर उतनी ही ज़्यादा भूख भी बढ़ती चली जा रही है। ये क्या हो रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो फूड प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, कपड़ों के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज को बढ़ा रही है, और उतने ही ज़्यादा लोग जो है वो इन चीज़ों से यानी कि लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज से वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मैन मेड लॉज के तहत हैव्स को, जो समाज के हैव्स हैं जिनके पास पहले से है, उनको प्रावधान बनाया है कि और मिले, उनको और मिले, और जो हैव नॉट्स हैं उनको और कम मिले, उनको और कम मिले। इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि अखंड योग के साथ जुड़िए और जुड़ करके इस तरीके के तमाम कॉन्सेप्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज मानवता को ज़रूरत है। मानवता के अंदर तिराही किलस गई है मानवता। अगर हम सिर्फ हैव्स को देंगे और हैव नॉट्स को नहीं देंगे तो ये विरोचनिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, जबकि हमको परमेश्वर योगिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ देता है। आप चाहे परमेश्वर में विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मानवता की भलाई के काम तो हर किसी को मिल के करने होंगे। इसके लिए आप लोग हमारे संडे के प्रोग्राम जो सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक होता है, अपने सारे सर्किल में फैमिली मेम्बर्स के साथ सबके साथ ज्वाइन कीजिए उसको, ताकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से डिस्कस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।